शुभांकर जी आप जवाब दीजिए कि हिंदुओं को वोट देने से रोकना, यही आरोप अग्निमित्रा पॉल लगा रही हैं और यही आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं एक वोट बैंक को साधने की कोशिश टीएमसी कर रही है। अगर आप जिस तरीके से आपने शहजाद पूनावाला और बाकियों को जैसे समय दिया, अगर आप मुझे पूरा समय दे तब तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन please. अगर आप हर एक सेंटेंस पे प्लीज आप अपनी बात और मेरे मुंह पे बात डालेंगे तो फिर बेटर है कि आप मुझे मत इनक्लूड। नहीं, आप अपनी बात पूरी करें। बात यह है कि जब आप एक पक्ष को लेके जब बात करते हैं तो वो निष्पक्ष नहीं कहलाता है। सबसे पहली बात ये, आपको दोनों तरफ का चेहरा देखना चाहिए और दिखाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं शुभांकर जी, देखिए मैं आपको फिर रोक रहा हूं, आपको जब मैं मौका दे रहा हूं शुभांकर जी, एक सेकंड, जब मैं आपको मौका दूंगा मैं आपको पूरा मौका दूंगा। शुभांकर भट्टाचार्य जी, पूरा मौका दूंगा, आप इस तरह से मत भागिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूं। नहीं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात पूरा, आप ऐसे मत जाइए, आप निष्पक्षता की बात, शुभांकर भट्टाचार्य जी आप इस तरह से प्रमाण पत्र बांटेंगे और अगर हम उस पर आपको टोके तो आप कुर्सी छोड़कर भागने लगेंगे। ये कैसे आपसे डिबेट हो पाएगी? आप कैसे लोकतंत्र की बात करते हैं? सहनशीलता आपके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। टीएमसी, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आ रही है, अगर इन तस्वीरों पर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप डिबेट छोड़कर भाग जा रहे हैं। हिंसा हो रही है, कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। मीडिया कहां इसको बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है? शुभांकर भट्टाचार्य, अगर आप जी न्यूज देख रहे हो, मैं आपको दोबारा इन्वाइट करता हूं, आप जी न्यूज के साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए, लेकिन हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको हमने पूरा मौका देने का प्रयास किया लेकिन आप डिबेट छोड़कर भाग गए। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि मतदाताओं को वोट देने से रोका जा रहा है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे आप? क्योंकि टीएमसी के साथ तो उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन भी है, आखिरकार पश्चिम बंगाल में ऐसी हिंसा क्यों होती है? तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस तांडव कर रही है, ये भी बताइए, अपने चैनल पर दिखाइए कि जौनपुर में किस तरह से, मल्हानी में जो हमारा समाजवादी पार्टी का जो बूथ एजेंट था किस तरह से बेरहमी से उसको पीटा है, चलाइए आप, उसको भी दिखाइए आप दिखाइए किस तरह से अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा जो प्रत्याशी है कैसे उनको पुलिस घेरे हुए है, किस तरह से छापा डाल रही है, जरा वो भी दिखाइए आप जहां वोटिंग पड़ रही हो। एक नहीं कितनी घटना आपको बता दूं, सुल्तानपुर में देखिए किस तरह से आई कार्ड छीन लिया जाता है वहां पे जो वोट डालने गए, वो भी दिखाइए आप। सवाल ये हो गया है कि एजेंडा चलाना है, अब एजेंडा चलाना है तो आगे नहीं, बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, आप ये भी दिखाइए ना, ये क्यों नहीं आप दिखाना चाहते? क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए नहीं दिखाएंगे। तो आप ये तय कर दीजिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे तानाशाही चलेगी, वहां बूथ में अगर लूटमार होगी, अगर वहां बूथ एजेंट को पीटा जाएगा, प्रत्याशी को घेरा जाएगा पुलिस के माध्यम से, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन बंगाल में कुछ होगा क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं, वो हम दिखाएंगे। कमाल है भाई, अरे आपका चुनाव आयोग है, आपका वहां पे सीआरपीएफ और वहां पे एजेंसी पुलिस की लगी हुई है, वो भी तो कोई काम कर रही होंगी ना, तो उत्तर प्रदेश का भी दिखा दीजिए आप। सवाल ये उठता है कि बीजेपी हार रही है उत्तर प्रदेश में और हार के डर से बीजेपी ने मना कर दिया है यहाँ मत दिखाना, क्योंकि यहाँ तो हमारा लोटा, हमारी तो लुटिया गोल हो चुकी है यहाँ पे, यहाँ तो हम एक दो सीट के लिए भी तरस रहे हैं, इसलिए यहाँ और दिखा दोगे तो जो एक आध आ रही वो भी नहीं आएंगी। तो सवाल ये हो रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पूरी तरह से तानाशाही देखने को मिल रही है। चलिए वहां पे मैं जवाब लेता हूं शहजाद पूनावाला जी से, अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं शहजाद जी से जवाब लेता हूं, शहजाद जी जवाब दीजिए आप। देखिए मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया जी जो है वो इस प्रकार से बात करते हैं कि बंगाल में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना, बंगाल चले गए। अनुराग जी देखिए आपके बीच में शहजाद पूनावाला नहीं बोले, एक एक कर, एक एक बंगाल की है, अनुराग भदौरिया समस्या ये है, आप लोग उत्तर प्रदेश की बोल रहे हो, उत्तर प्रदेश की भी बोल रहा हूँ, अब अनुराग भदौरिया जी एक एक कर, एक एक कर। अनुराग जी देखिए 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 आपको पूरी बात रखने का मौका मिला, अनुराग भदौरिया जी आपको पूरी बात रखने का मौका मिला, आपके बीच में शहजाद पूनावाला नहीं बोले, अनुराग जी आपके बीच में शहजाद पूनावाला नहीं बोले, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप डिबेट की गरिमा को बनाए रखें। शहजाद पूनावाला जी आपके बारे में चाहूंगा शहजाद जी की बात आए, चलिए शहजाद जी, अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी कंटिन्यूस बोलने से डिबेट नहीं हो पाएगी, आपने अपनी बात रखी, नहीं शहजाद जी की बात आने दीजिए, अगर आपको कोई आपत्ति मैं आपके पास फिर आऊंगा, आप बीच में लगातार बोलेंगे डिबेट नहीं हो पाएगी। शहजाद जी देखिए हैरानी की बात है कि इसी ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को कहा कि ये बाहर के लोग आते हैं गुंडागर्दी करते हैं और बंगाल में आग लगाते हैं, तब ये अनुराग भदौरिया का मुंह नहीं खुला।
आज जो है बंगाल में जो हिंसा चल रही है उसके बचाव में बोलना नहीं है, उसके बचाव में बोलना है तो उत्तर प्रदेश की घटनाएं गिना रहे। उत्तर प्रदेश में अगर ये घटनाएं हुई तो आप बताइए कि आपके खुद के नेताओं ने कितने प्रदर्शन है, इलेक्शन कमीशन को नोटिस दिए, इलेक्शन कमीशन को कितने एक बार जाके अप्रोच किया, आप बता दीजिए, एक एक इंसिडेंट बता दीजिए जहां पर अखिलेश यादव गए हो। परंतु आज यहां पर अधीर रंजन चौधरी जो इंडिया अलायंस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक है वो कह रहे हैं कि बंगाल में आग लगी हुई है परंतु अनुराग भदौरिया को बचाना, ये उसी प्रकार से है कि बंगाल में जो चीजें संदेश खाली में हुई, क्योंकि अपराधी का नाम शाहजहां शेख था, एक भी बार उन हिंदू महिलाओं के लिए नहीं बोला क्योंकि अपराधी का नाम शाहजहां शेख था। आज बंगाल के विषय में इसलिए नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, ईडी और एनआईए की टीम पर भी हमला हो गया बंगाल में, ईडी और एनआईए की टीम भी सुरक्षित नहीं है, वहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहां पर बम मिले हैं, तभी तो जवाब देंगे। अनुराग भदौरिया कुछ नहीं बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक नहीं अनेकों बार बोला जी। अनुराग जी, सवाल तो आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, आप इतने लंबे समय से टीवी डिबेट का हिस्सा बनते हैं, जानबूझकर लेकिन अनुराग जी थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए, मैं आपके पास आऊं। आप लगातार बीच में शहजाद पूनावाला के बोलते रहे, शहजाद जी आप अपने सवाल पूछे जो आप अनुराग भदौरिया से पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब लूंगा। देखिए, इनके टीएमसी के नेताओं का बयान आया था कि नंदीग्राम में बदला लेकर रहेंगे, उसके बाद नंदीग्राम में भाजपा की कार्यकर्ता को मार दिया जाता है, वहां पर आज बम मिले हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे अनुराग भदौरिया, मुंह पर पट्टी बांध देंगे। हुमायूं कबीर नाम के एक व्यक्ति, उनके जो एमएलए है, वो बोलते हैं कि हिंदुओं को काटकर भगीरथ में डाल देंगे, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते अनुराग भदौरिया। और यही टीएमसी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बोला है ये गुंडे यहां से आते हैं और दंगे करवाते हैं। अनुराग भदौरिया, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आज बंगाल जल रहा है और इलेक्शन ऐसा एक नहीं हुआ, 2013 में, 2018 में, 2023 में, 2021 में हर जगह हिंसा हुई, परंतु फिर भी जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोला है उस पर संविधान खतरे में, बताइए अनुराग जी, शहजाद पूनावाला का आरोप है कि आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो मुद्दे आपको सूट कर रहे हैं आप उस पर बोल रहे हैं। और देखिए, वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बदनाम करना बंद कीजिए। चलिए अनुराग जी सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी को अपने बारे में बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि वो सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। वही राज ठाकरे जिनको आज गोदी में लेके घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, उत्तर भारतीयों को किस तरह से पीटा गया था और आज उसके गोदी में बैठ गए सत्ता। अच्छा। के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तर भारतीयों का अपमान करवा रहा है बैठा। अच्छा। क्या उत्तर भारतीय आपको एक वोट नहीं देगा, एक एक वोट के लिए तरस जाओगे? आप उनके साथ गोदी में बैठे हो जिसने उत्तर भारतीयों को पीटा था महाराष्ट्र में। अच्छा। आप इस बात को, और हम लोगों ने कहा था, और डीएमके के नेताओं ने क्या बोला जरा एक बार बताना, एक बार डीएमके के नेता ने टॉयलेट क्लीनर बोला है, डीएमके के नेता ने पानीपुरी बेचने वाला बोला है, सुखपाल खेरा ने बोला उत्तर प्रदेशियों का वोट ले लो, और आप बात कर रहे हैं उत्तर भारतीयों, ये वो चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का जो आपको पिटवा के यहाँ पे चुपचाप बैठ गया मुंह में, और आप लोग का अलायंस उद्धव ठाकरे के साथ है जिसकी राजनीति इस पर स्थित थी। आप क्या बोले जा रहे हैं अनुराग भदौरिया? थोड़ा सा सोच विचार करके बोला करें अनुराग भदौरिया, थोड़ा सा सोच विचार करके। मैं तो उंगली दिखा रहा हूँ, देख लो ये बीजेपी का चेहरा है। उंगली तो आपको लोग दिखाने वाले वोट करने के बाद, आज पता चल गया आज उसके साथ गोदी में बैठ गए, उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। सोचिए आप, इतनी प्यारी हो गई कि अपने हमारे भाई बहनों को पिटवा के आराम से सत्ता की मौज लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ साफ साफ बोल रहा हूँ, कोई उत्तर भारतीय भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा जिस उत्तर भारतीयों को बेरहमी से पीटा था राज ठाकरे ने, आज उसके साथ ये एक वाक्य बोलने दीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने बताया, सुल्तानपुर में मैंने बताया, जौनपुर में मैंने बताया, अम्बेडकर नगर में जो तांडव हो रहा है, जो तांडव पुलिस ने किया है, जो तांडव इनके कार्यकर्ता ने किया है, ये तानाशाही नहीं तो क्या है, इस पे बोलने में क्यों आप? चलिए मैं इसमें जवाब देता हूँ, एक जल्दी से एक बार फिर संगीत रागी जी और आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े, जल्दी से शहजाद जी। कभी कभी अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है कि कभी कभी अनुराग भदौरिया जैसे लोग जो आते हैं, अनुराग जी आपकी पूरी बात आ गई, अनुराग भदौरिया साहब आपकी पूरी बात आ गई, अब थोड़ा सा और लोगों के पास भी चले जाए। शहजाद जी जल्दी से आप, मैं चाहूंगा 30 सेकंड में आपका काउंटर आए इस पर, और फिर यहाँ पर संगीत रागी जी और आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े। राज ठाकरे रिश्ते में क्या लग रहे हैं आप? पहले ये बता दीजिए कि जिसकी पूरी राजनीति इस पर स्थित है उद्धव ठाकरे, उसके साथ गले क्यों मिल रहे हो?
पहले बताइए कि सुखपाल खेरा ने अभी बोला उत्तर प्रदेश बिहारियों के वोट ले लो, उसके साथ अभी भी खड़े हो, और बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। डीएमके के नेताओं ने, मैं जी से आग्रह कर रहा हूँ, बीच में ना बोला जाए, अनुराग जी बीच में ना बोला जाए मेरी बात के, बीच में हर बात में, हर वाक्य में बीच में बोला जाए। डीएमके के नेता ने बोला है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है, उनके साथ खड़े रहकर अखिलेश यादव जी ने मंच साझा किया। आज भी देखिए किस प्रकार से बातें बोली जा रही है, जब बंगाल का विषय है, अनर्गल उत्तर प्रदेश को खींचकर उत्तर प्रदेश की बदनामी, उत्तर प्रदेश के लोग की बदनामी करने का काम अनुराग भदौरिया कर रहे हैं। और आखिरी बात, ये बार बार तांडव क्यों कहा जा रहा है भाई, ये कहने के लिए ये क्यों नहीं कहा जा रहा है जिहाद हो रहा है? केवल तांडव कहने का क्या मतलब है? मतलब कि अगर कोई नकारात्मक काम है, कोई हिंसा का काम है, तो शिवजी के तांडव को भी बदनाम करेंगे, राम जी के मंदिर को बेकार बोलेंगे, शिव वर्सेस वाम करेंगे। और आज अनुराग भदौरिया जिस प्रकार से बार बार हिंसा का तांडव, पुलिस का तांडव, मतलब कि तांडव को भी अपमानित करने का काम, मतलब हिंदू विरोध की कितनी बड़ी। मैं आप दोनों लोगों को थोड़ी देर के लिए रोकता हूं।